हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश नेपाल, जो कि हमेशा से अपनी सुंदरता के कारण लोगों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बना रहा है। यहाँ के सुंदर सुंदर झील, झरने, पहाड़ियाँ और पर्यटक स्थल हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। आप सब लोगों ने महान महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में तो जरूर सुना होगा। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। आप सब लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि एक समय था जब नेपाल को तंबाकू का अड्डा यानी कि टोबैको सेंटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज एक दिन है जब नेपाल में तंबाकू पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हम भारतीय नेपाल में बहुत ही कम पैसों में बहुत आसानी से घूम सकते हैं, क्योंकि भारतीयों के लिए यहाँ पे ना ही तो कोई वीज़ा और ना ही कोई पासपोर्ट जरूरी होता है। अपनी विविधता के कारण नेपाल को एशिया का अमेज़न कहा जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे नेपाल के कुछ ऐसे ही बेस्ट फैक्ट्स के बारे में, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। नंबर एक, अपनी 85% हिंदू आबादी के साथ नेपाल इस पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू राष्ट्र देश था, लेकिन जब नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और वहां पर नई सरकार और संविधान का गठन हुआ तो नेपाली कांग्रेस और कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर के नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म करके नेपाल देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में घोषित किया, जिसका नेपाल में बहुत कड़ा विरोध हुआ और वो विरोध नेपाल में अब तक जारी है। नंबर दो, जहां आजकल अधिकतर देश के युवा शराब और सिगरेट को शानो शौकत और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड का एक हिस्सा मानते हैं, तो वहीं पर नेपाल में 52% पुरुष और 75% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। नंबर तीन, नेपाल इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसकी आधी से ज्यादा आबादी अकेले उसकी राजधानी काठमांडू में रहती है। काठमांडू में आप लोगों को एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे और मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर भी काठमांडू में ही स्थित है। नंबर चार, जहां आज पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर हेलो हाय करना पसंद करते हैं, तो वहीं नेपाल के लोग अपने नैतिक मूल्यों के लिए बहुत जाने जाते हैं। नेपाल के इंसान साधारणतः किसी भी दूसरे इंसान को हाथ जोड़कर और सर झुका करके नमस्ते कहना पसंद करते हैं। नंबर पाँच, आप सब लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड यानी कि अपने हर काम के लिए बाएं हाथ का उपयोग करते हैं, लेकिन नेपाल इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां के लोग कभी भी खाना खाने के लिए बाएं हाथ का उपयोग नहीं करते हैं। नंबर छह, आप सब लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता था कि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल में ही पड़ते हैं। नेपाल जितना ही अपने झील, झरने और मैदानी इलाकों के लिए जाना जाता है, उतना ही अपनी पहाड़ी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूरी दुनिया के पर्वतारोही नेपाल आकर के क्लाइंबिंग करना पसंद करते हैं। नंबर सात, अगर मैप पर आप लोग नेपाल और पुर्तगाल को देखेंगे तो आपको नेपाल और पुर्तगाल में कोई भी असमानता नजर नहीं आएगी, क्योंकि दोनों देशों का मैप बिल्कुल एक जैसा है। नंबर सात, आप सब लोगों ने भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के बारे में तो जरूर सुना होगा। गोरखा रेजिमेंट में मूलतः नेपाल के जवानों को भर्ती किया जाता है। गोरखा रेजिमेंट इस पूरी दुनिया में अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। सन 1816 से ब्रिटिश आर्मी भी गोरखा लड़ाकों को अपनी सेना में भर्ती करती है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड की महारानी की सुरक्षा में भी गोरखा रेजिमेंट को लगाया गया है। नंबर नौ, नेपाल में हवाई सफर करना काफी महंगा होता है, क्योंकि नेपाल के अंदर बहुत ही कम एयरलाइंस है जो कि एशिया से बाहर का सफर करती है। और बात करें अगर इंटरनेट की तो इस पूरी दुनिया में लीबिया के बाद सबसे स्लो इंटरनेट नेपाल में प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर दस, नेपाल में गाय की हत्या करना कानूनन अपराध है और गाय काटना पूरी तरह से बैन है। नेपाल इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा चकोर नहीं है, बल्कि नेपाल का झंडा दो त्रिभुजों से मिलकर के बना हुआ है।